नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार में इस साल चुनाव है, ऐसे में वहां की राजनीति गर्म है। वैसे तो राजनीति देश की भी गर्म है, एनपीआर, एनआरसी और सीए को लेकर बवाल चल रहा है, लेकिन बिहार में सत्ता में भाजपा के सहयोगी जेडीयू एनपीआर को लेकर भाजपा को आंखें दिखानी शुरू कर चुकी है। स्वयं नीतीश कुमार दरभंगा में एक अल्पसंख्यकों की सभा में ये कह गए कि एनपीआर लागू होगा तो 2010 वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही, यानी कि नया फॉर्मूला नीतीश को भी मंजूर नहीं। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर वो चुप्पी साध गए। एनआरसी को लेकर उन्होंने ये जरूर कहा कि एनआरसी बिहार में लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है, यहां जब तक मैं हूं अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उनके खिलाफ तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप ही तो इधर उधर करते हैं, आप अपनी अलग ही फिल्म चला रहे हैं। एनपीआर 2010 के ही पुराने प्रारूप पर लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, लागू होना चाहिए का क्या मतलब? लागू कौन भूत करेगा? यह कहिए कि आप इसे 2010 के पुराने प्रारूप पर ही लागू करेंगे और करने जा रहे हैं, शब्दों से मत खेलिए। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपने इस बयान के बाद अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीए पर नीतीश की पार्टी ने केंद्र में भाजपा का समर्थन किया था, उसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में अल्पसंख्यक नीतीश से छिटक सकते हैं। बिहार में एक तरीके से देखा जाए तो 17% अल्पसंख्यकों का वोट है। ऐसे में माना जाता है कि लालू के MY समीकरण में वो फिट बैठते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री काल आने के बाद से ये अल्पसंख्यक नीतीश से जरूर जुड़े हैं। सीए को लेकर जो देश में बवाल चल रहा है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब से वो दोबारा से भाजपा का दामन उन्होंने थामा है, तब से ये अल्पसंख्यक उनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ BJP और NDA के गठबंधन में ही बवाल नहीं है, उधर महागठबंधन में भी बवाल है। दरअसल RJD 2 सीटों पर राज्यसभा में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। 26 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन ये 2 सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है, खास करके तेजस्वी यादव के करियर की बात करें तो। दरअसल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने के लिए RJD कहीं ना कहीं राज्यसभा के रास्ते कोई एक मजबूत रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यह माना जा रहा है कि जो महागठबंधन के सहयोगी हैं, यानी कि जो तेजस्वी यादव के सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, BIP पार्टी के अध्यक्ष, ये शरद यादव को लेकर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। शरद यादव भी पहले कह चुके हैं कि RJD अगर तेजस्वी को लेकर आगे बढ़ती है तो इसका समर्थन करेंगे। शरद यादव उधर लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर शरद यादव को RJD राज्यसभा नहीं भेजती है तो शरद यादव मांझी और कुशवाहा के साथ हो जाएंगे। ऐसे में महागठबंधन में फूट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उधर कांग्रेस भी ये चाह रही है कि कम से कम 2 सीटों में से 1 सीट RJD कांग्रेस को दे दे, ताकि बिहार चुनाव के समय RJD और कांग्रेस में कोई भी मतभेद दिखाई ना दे और गठबंधन मजबूती से बिहार का चुनाव लड़े। इसीलिए फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि RJD से कम एक राज्यसभा सीट पर उसे समर्थन मिल सकता है। लेकिन RJD में भी बवाल बचा हुआ है। कुछ दिन पहले रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि RJD के बड़े नेता है, उन्होंने तेजस्वी यादव को एक तरीके से बड़ा नेता मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि वर्तमान परिस्थिति जो RJD में है उससे लेकर रघुवंश बाबू नाराज चल रहे हैं। इसीलिए रघुवंश प्रसाद को अगर
दिल्ली भेजा जाता है राज्यसभा के रास्ते, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के रास्ते का एक बड़ा पत्थर किनारे हट सकता है। लेकिन जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, ये ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी को लेकर आरजेडी में एक तरीके से विरोध कर सकते हैं। आरजेडी इनको भी कम से कम साइड करने की कोशिश करेगा, या इनको भी एक बड़ा पद देकर इनको मुंह से शांत करने की कोशिश करेगा। आरजेडी के लिए एक तरीके से चुनौतियां बहुत है, क्योंकि तेजस्वी को आगे करना है तो परिवार को भी साधना जरूरी है। माना जा रहा है कि ये चुनाव अगर तेज प्रताप यादव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में तेज प्रताप को बिहार की राजनीति से बाहर किया जाए और उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाए। लालू के दरबार में फिलहाल नेताओं की जो है भीड़, वो जुटनी शुरू हो गई है। नेता एक एक करके मिल रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन दो सीटों के सहारे तेजस्वी का करियर कैसे बनाया जाता है। बिहार में इस साल चुनाव है, इसलिए ये उथल पुथल जारी रहेगा। अब बात बिहार की। महाभारत में भी बिहार का जिक्र है। दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब वो अनायास ही जरासंध के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया। बाद में एक मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का वध किया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडवों का समर्थन किया था। वर्तमान बिहार के क्षेत्र में ही रूस देश पड़ता था, जहां का राजा पौंड्रक था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वह श्री कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का वेश धारण किया, बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलाना भी पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी वह मौजूद था।